150 साल से ज्यादा पुराना ये मदरसा है, अंग्रेज के जमाना से समझे, अंग्रेज के जमाना से। हाँ, इसमें जो है मदरिस पढ़ाते थे अंग्रेज, 5 रुपया महीना देते थे। 5 रुपया महीना? 5 रुपया महीना। ये देखिए, ये छत बहुत पुरानी है, तकरीबन कितने 100 साल पुरानी है ये तकरीबन? अरे बहुत, 70 साल से ज्यादा की है। ये बड़ी पुरानी छत है, ये देखिए सब टूट टूट कर गिर रहा है इसका मलबा जो है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जरूरत है पैसा खर्च करने की। देखिए काफी मतलब चारों तरफ से ये मस्जिद जो है टूट रही है और इसके अंदर पूरा पानी जो है बाहर से अंदर आता है बारिश के मौसम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक मदरसे का जो निस्वा मदरसा है उसका दौरा करने के लिए आया हूँ। और शायद आप सबको पता होगा इस बारे में कि मैं तालीम को लेकर काफ़ी जो है कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और हमारी कौम तरक्की कर सकती है। तालीम अगर बेहतर होगी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर तालीम बेहतर होगी तो इंशाल्लाह हमारा समाज सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजार सकेगा और फिर हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और अपनी कौम को आगे लेकर जाएंगे। तो इसीलिए मैं तमाम मदारिस का दौरा करता हूँ और तालीम को बेहतर बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो आज मैं इंडिया के अंदर सिद्धार्थनगर ज़िले में एक गांव है महादेवा, महादेवा में एक मदरसा है अल मदरसतुल अरबिया शमसुल हुदा, महादेवा पोस्ट सिकरी बाज़ार ज़िला सिद्धार्थनगर, मतलब ये इसका पूरा एड्रेस है। तो ये काफ़ी पुराना मदरसा है, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी जो जिम्मेदारान हैं मैं उनसे इंशाल्लाह इसके बारे में बातें करूँगा। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम। आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये मदरसा कितना पुराना है? अरे बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। समझ लीजिए कि 150 साल, 3 पुश्त हमारा हो गया। 3 पुश्त? 3 पुश्त यानी तकरीबन 3 पुश्त माने 150 साल से ज्यादा। हाँ, 150 साल से ज्यादा पुराना ये मदरसा है, अंग्रेज के जमाना से समझे, अंग्रेज के जमाना से। हाँ, इसमें जो है मदरिस पढ़ाते थे अंग्रेज, 5 रुपया महीना देते थे। 5 रुपया महीना? 5 रुपया महीना। अल्लाह, उस वक्त में, उस जमाने में। यहाँ दौरा कर आया और उसके बाद पास करके चला गया। उनको देखा छोटे छोटे बच्चे कलाम पाक पढ़ रहे हैं तो पूछा ये क्या है। अच्छा, कौन पूछ रहे थे? अंग्रेज। हाँ, अच्छा, लल्लम साहब जो दुल्हा कोठी पर रह रहे थे। अच्छा, ये लल्लम कौन? अंग्रेज थे? अंग्रेज थे। अच्छा, वो आकर यहाँ पता करते थे, कुरान सुनते थे बच्चों का। हाँ, सुनते थे, उसके बाद खुश होकर के 5 रुपया महीना मदरिस का अपनी तरफ से दी। अपनी तरफ से अंग्रेज यहाँ आते और बच्चों का कुरान सुनते, खुश होते और खुश होकर उनको, यानी जो यहाँ उस्ताद पढ़ाते थे उनको 5 रुपया महीना उस वक्त में उनकी तरफ से दिया जाता था। लिहाजा ये मदरसा है, इस मदरसे के अंदर फिलहाल कितने बच्चे होंगे? लगभग 300 बच्चे। तकरीबन 300 बच्चे। और किस कितने उस्ताद हैं पढ़ाने वाले? 7। सब मुअल्लिमा हैं? हाँ, सब आलिमा, आलिमा मुअल्लिमा सब हैं। अच्छा अच्छा, कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? 10 क्लास तक। अच्छा, यहाँ पे कोई आमदनी है कहीं से? अब कौन आमदनी, चुटपुट चंदा हो ही जाता है। तो थोड़ा बहुत यहीं गाँव घर से, बाहर से कोई पैसा नहीं आता है। और पढ़ाई में दुश्वारी होती है यहाँ पे? पढ़ाई में दुश्वारी होती है? दुश्वारी तो होता है, बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, उस्ताद कम है। यानी तकरीबन 300 बच्चे हैं और उस्ताद कितने हैं? 7। 300 बच्चों के मतलब अंदर सिर्फ 7 उस्ताद, तो फिर बड़ा मुश्किल है पढ़ाई करना। कैसे मैनेज करते होंगे ये सब? अरे बहुत मेहनत करते हैं, टाइम नहीं देखे। 4 बजे जैसे 12-7 बजे से स्कूल है, 10 बजे छुट्टी होती है, लेकिन 11-2 बजे तक एकदम पढ़ाते रहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि इस मदरसे के अंदर जो हम आए हैं, हमारा मतलब मकसद ये है कि तालीम बेहतर हो। और जो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं आप, माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। जैसे आप देखो जो है बच्ची पढ़ाओ, अब अगर आमदनी हो
तो इंतजाम हो जाए बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा है? पर्दा लग जाए या सफाइया हो जाए, पंखा लग जाए है? अच्छा बाथरूम बन जाए। पढ़ाई अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई में ना कमी है। कमी है तो मतलब आमदनी कमी है, बाहर से कोनो आमदनी नहीं होता है। तो नाज़रीन कराम, आप सबको ये मदरसा दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या कमी बेशी है, क्या मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, आप सब देखिए। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सब देखने के बाद इस मदरसे के अंदर जो भी अपनी इमदाद हो, 10 रुपये 5 रुपये जैसा भी हो, आप जो है भेजने की कोशिश करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह आपका पैसा जो है, आपका इमदाद और आपका रुपया पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला आपको क़यामत के दिन देगा। तो आप सबको पहले मैं इस मदरसा दिखाना चाहता हूँ, इस मदरसे के अंदर क्या कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। यहाँ से वहाँ तक पुराना देखा जाए, ईंट का छत है और छता फिर गिरा था, जगह जगह फुट फुट करके गिर रहा है। ये छत है नाज़रीन कराम, ये देखिए, ये छत बहुत पुरानी है, तकरीबन कितने 100 साल पुरानी है ये तकरीबन? अरे बहुत, 70 साल से ज्यादा की है। ये बड़ी पुरानी छत है, ये देखिए सब टूट टूट कर गिर रहा है। इसका मलबा जो है ये एकदम ऐसा लग रहा है कि अब ये ज्यादा दिन चल नहीं सकता है, पूरा टूट गया है। तो ये इसकी हालत है मदरसे की, ये देखिए, ये मदरसे की हालत है। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस मदरसे के बारे में थोड़ा कुछ सोचें, ख्याल करें। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो है अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस मदरसे के अंदर आए हैं। इस मदरसे के अंदर कोई मस्जिद है? अच्छा दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह कितनी कुशादा जगह है। अगर आप सब इमदाद करेंगे, आप सब कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन मदरसा कायम हो सकता है। पीछे भी कहना है जगह स्कूल का है। अच्छा, इसके पीछे जगह है? हाँ, इसके पीछे जगह है। अच्छा माशाल्लाह, यही मस्जिद है? इस मदरसे के अंदर मस्जिद है, और ये मस्जिद का जो फर्श है सब बैठ गया है, नीचे दब गया है। और ये मस्जिद देखिए काफी पुरानी मस्जिद है। बारिश होती है तो पानी आता होगा इसके अंदर? देखिए काफी मतलब चारों तरफ से ये मस्जिद जो है टूट रही है, और इसके अंदर पूरा पानी जो है बाहर से अंदर आता है बारिश के मौसम में। और ये जो फर्श है, ये फर्श पूरा दब गया है नीचे। तो आप सबसे इल्तिमास है कि आप सब इसके अंदर पैसा खर्च कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बहुत बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। और ये सदक़े जारिया है, मदरसे के अंदर मस्जिद के अंदर पैसा खर्च करना सदक़े जारिया है। क़यामत तक इंशाल्लाह हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे नामे आमाल में नेकियाँ ऐड करते जाएंगे। ये भी ज़मीन है साइड वाली? यही जमीन है। अच्छा, और ये पोखरी किसकी है? पोखरी ग्राम की। अच्छा अच्छा, ग्राम समाज के। यानी ये यहाँ पर टंकी और टोटी बनी हुई है, ये किसके जरिए से बनाया गया है? किसी कहीं से आमदनी हुई थी या फिर मदरसे की तरफ से? नहीं तो बना दिया रहा, लेकिन सब सब टूट गया ये भी। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह। ये जो बच्चे सहन में बैठे हुए हैं, आप किस क्लास के हो? दर्जा दोम और दर्जा सोम, यानी 2-3 के बच्चे हो आप? ए माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमाते उला माशाल्लाह। जमाते उला का निसाब क्या है, कितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं? 10 किताबें। कौन कौन सी किताब हैं? कितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं इसके अंदर? 10। हाँ, कुरान शरीफ, तमरीनुन्ना, तमरीनुस्सर। अकीदे की कोई किताब है यहाँ पे? अकीदे की कोई किताब? ये कौन सी किताब है? दुरुसुल लुगा। यानी ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें अकीदे के बारे में पढ़ाई जाती हो, जैसे अल्लाह कहाँ है या शिर्क कितनी किस्में हैं, ऐसी कोई किताब है? इस्लामी तालीम। अच्छा, निकालिए इस्लामी तालीम।
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? कौन सा क्लास है ये? दर्जा चहारों। माशाल्लाह, मेहनत से पढ़ाई करते हो ना? कोई कमी कोताही है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कुछ चाहिए तो आप लोग बताओ। ये कौन सी जमात है? जमात सानिया। अच्छा, जमात सानिया का निसाब क्या है? निसाब समझते हैं ना, मतलब कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, कुछ पता है? कोई बताए? लीजिए जी। बुलुगुल मराम नहु सर। क्या नहु मतलब क्या? अमीनुन नहु या तमरीनुन नहु? तमरीनुन नहु। तमरीनुन नहु। अच्छा, उसके बाद? तमरीनुस सर जी। दुरुसुल लुगा। दुरुसुल लुगा जी। किरातुर रशीदा। किरातुर रशीदा का कौन सा हिस्सा है? पहला हिस्सा। पहला हिस्सा। और मुअल्लिमुल इंशा। मुअल्लिमुल इंशा जी। बस पूरी कितनी किताबें हैं? दस किताब। तफसीरुल कुरान। तफसीरुल कुरान में कौन कौन सी सूरतें पढ़ाई जाती हैं तफसीर में, या फिर एक पारा है मुकम्मल, या फिर कुछ सूरतें हैं मुंतखब की गई हैं? एक पारा मुकम्मल। कौन सा पारा? 29वां पारा। सुसुम ये कौन सा लफ्ज है, मतलब अरबी, उर्दू, फारसी? अरबी। अरबी है? अच्छा, आप बताओ, किसी को पता है शशुम जी? आपको पता है शशुम ये कौन सा लफ्ज है, अरबी, उर्दू, फारसी? उर्दू। उर्दू भी है और फारसी। ये असल में ये फारसी लफ्ज है। ठीक है बच्चों, असल में ये शशुम जो ये फारसी लफ्ज है, लेकिन इसको जो है उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना शशुम ये क्या है, फारसी लफ्ज है। आपके क्लास में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं? मिनाजुल अरबिया। मिनाजुल अरबिया के माने क्या होता है? मिनाजुल अरबिया के माने जी अरबी का तरीका। उसके अलावा कौन सी किताब? अमीनुस सर्फ। अमीनुस सर्फ। और अमीनुन नौ। अमीनुन नौ। इस्लामी तालीम। इस्लामी तालीम। हिंदी, इंग्लिश जी। अमरुल खानादारी जी। और नजर कुरान। अकीदे की कोई किताब है? इस्लामी तालीम है। इस्लामी तालीम। हाँ, इस्लामी तालीम है। कौन सा हिस्सा है? अव्वल। बिल्डिंग जर्जर हो चुका है, मस्जिद भी गड़बड़ हो गई है, ये पैसे की जरूरत है और इल्म आगे बढ़ाना है, बस यही जरूरत है। अच्छा, इसके अंदर कहीं और से पैसा नहीं आता है? नहीं, कहीं से नहीं, सिर्फ वे गांव घर से चंदा करके चलता है। ठीक है नाज़रीन किराम, मैंने इस मदरसे का मुआयना किया है, दौरा किया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं हो सकता है सही तरीके से ना दिखाया पाया हूँ जो कमी कोताही इसके अंदर है, क्योंकि टाइम नहीं है और जो हमारे जिम्मेदारान साहिबान सब हैं यहाँ पर, तो मतलब इनको जो है कहीं जाना है और मैं अचानक में यहाँ पर आ गया। तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, तालीम से ही हमारी कौम, हमारी समाज जो है, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी तरक्की कर सकती है। तालीम ही की बिना पर जो है हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि तालीम बेहतर हो, और तालीम बेहतर उसी वक्त होगी जब हम अपने मदरसे के अंदर, निस्वा मदरसे के अंदर, या फिर बच्चों के मदरसे के अंदर जब अपना पैसा रुपया हम खर्च करेंगे। मेरे भाइयों, ये मदरसा आपकी वजह से चलता है, आपके पैसों की बदौलत चलता है। अगर आप अपना रुपया पैसा इस मदरसे के अंदर देना बंद कर दोगे, अल्लाह की कसम, आप बताओ फिर ये मदरसा कैसे चलेगा। हम सब जानते हैं कि आज कुछ ऐसी बच्चियाँ सुनने में आ रहा है, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर इस्लाम की तालीम नहीं थी, जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में सही तरीके से नहीं जानती थी। आज वो मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़कर चली जा रही हैं दूसरों के साथ। तो ये किसका नतीजा है? ये उसी का नतीजा है कि तालीम नहीं दी जा पा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मदरसा और उस मदरसे के अंदर जो कमी कोताही है, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आप उस पर गौर करेंगे, आप उस पर फिक्र करेंगे और इस मदरसे के अंदर, इस निस्वा मदरसे के अंदर आप अपना पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो तालीम की राहों से मुस्तकबिल सजाते हैं। हम